आइए दोस्तों, आज हम अपने सीखने के लेवल को एक लेवल अप ले करके जाते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मैरिज हॉल का। ये है उस वीडियो का लोगो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इसको देख लीजिएगा। इस जगह में अब जो मैंने 3D मॉडल अपलोड किया था क्लाइंट से परमिशन ले करके कि वो कैसा जाएगा, इसका वीडियो अपलोड किया जाना चाहिए, तो उन्होंने एग्री किया था। और ये देखिए वीडियो में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काम चालू हो चुका है, वायरिंग का काम, प्लम्बिंग का, जहाँ से शिफ्ट करना था ये पहले कुछ और चीज़ था, अब इसको किसी और चीज़ का लुक दिया जा रहा है। यहाँ देखिए मैंने इस मिस्त्री से बात करने की कोशिश किया था कि क्या कर रहे हो, तो उसको लगा कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो बेचारा मुस्कुरा करके जवाब दिया बहुत अच्छे से। इसके काम का एप्रिसिएशन किया जाना चाहिए, इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और ये सारा काम इसने मात्र 2 दिनों में किया है। ये और इसका एक और साथी मिल करके दीवार को ऑलमोस्ट 10 इंची के दीवार को ऑलमोस्ट आधा काट दिया है वहाँ पे डी लगाने के लिए, और पूरा वायरिंग कर दिया है। इसने पूरा काम 4 दिनों में यहाँ तक किया है, 0 से लेकर के अभी तक का काम इसने 4 दिनों में दोनों बंदों ने मिलकर किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सब तरफ में वायरिंग सेडल से कंड्यूट पाइप में डाल करके वायर डाल करके खींच दिया गया है कोटिंग के साथ पूरा, और कहीं कहीं जगह पे तोड़ फोड़ हुआ है वो वहाँ से रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक प्लम्बर है जो इस जगह पे स्टेज बनना है, यहाँ पे पानी का आउटलेट आया हुआ था, पहले यहाँ बाथरूम था, इसको बंद किया जाएगा पानी के आउटलेट को, और सॉरी इनलेट को, इसको पूरी तरह से ब्लॉक करके यहाँ स्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा। आगे आप जगह जगह पर देखेंगे कि वर्क स्टार्ट करने के पहले क्या क्या चीज़ है। अगर आप सोच रहे हैं फ्यूचर में कि कैसे काम स्टार्ट किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों का मेहनत का एप्रिसिएशन होगा, हम समझेंगे कि आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, वीडियो को ही नहीं इंटीरियर प्रोजेक्ट को फाइनल करने में, उसको 0 से लेकर के 100% तक लाने में। और ये वायर जो दिखा रहा हूँ मैं, केबल अलग अलग लेवल का यूज होने वाला है, सब वायर्स अलग अलग हैं, मैं इन सब चीज़ों को भी सिखाऊंगा आपको। बस आपको मैं अभी बस ये टेलर सब दिखा रहा हूँ, मैं कोई फिल्म मेकर नहीं हूँ कि मुझे बहुत अच्छा सा टेलर बनाना आता है, बस मुझे ये चीज़ समझाना है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ सीखना है, कैसे कैसे चीज़ सीखना है, इनको बारीकी से कैसे उतारना है कॉपी पे, पेज पे, कंप्यूटर पे ले जा करके इसको हम कैसे एक्सक्यूशन का फाइल कैसे हम अपने वर्किंग टीम को पकड़ा दें और वो सब कुछ समझ जाए, यहाँ तक आपको इसमें मैं सिखाऊँगा। जो अगर आप सुबह शुरू से मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ को समझ जाएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे एक अलग लेवल पे। जो भी आदमी इस वीडियो को देखेंगे उनको हमारे बीच में बात होना, हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ आसान हो जाएगा। देखिए वायरिंग करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, कहीं पर भी वायर लेकर जाइए तो बिल्कुल उस कंड्यूट पाइप के अंदर ही होना चाहिए, और वो कंड्यूट पाइप पॉसिबल हो तो सेडल के साथ सीलिंग में, वॉल में फिक्स होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में कभी वायर को इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, आप वायर को आराम से पुल एंड पुश कर सकते हैं। बहुत जगह क्या होता है कि कंड्यूट पाइप तो डाला रहता है बट वो लूज डाला रहता है, तो उसमें वायर को खींचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। और देखेंगे आपको मैं एक बार काफ़ी क्लोज से ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक वाटर लेवल लगाया हुआ है, शायद इसमें नहीं आ रहा है, वाटर लेवल दिखाया जा, देखिए ये लाइनिंग दिखा, वाटर लेवल का लाइन दिखा था ये, और ये जो वायर दिख रहा है ये वायर कैमरा का वायर है, कैमरे के वायर के साथ काम करने वाले मिस्त्री लोग करते ये हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए, अपना मेहनत बचाने के लिए कैमरे के वायर को इलेक्ट्रिक कंड्यूट के साथ ही मिक्स कर देते हैं। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि वायरिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि मिस्त्री इस तरह की चीज़ को, इस तरह का गलती ना करे। उसे आप समझा सकते हैं, आप उसको समझाएंगे कि इलेक्ट्रिक पाइप के कंड्यूट में इलेक्ट्रिक वायर और कैमरा का वायर एक साथ नहीं जाना चाहिए। उससे ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है चारों तरफ, और कैमरा के अंदर में जो वायर होता है वो मैग्नेटिक इम्पल्स ही रिलीज करता है।
जिससे कैमरा में और मॉनिटर में फ्लक्चुएशन की वजह से कैमरा रिकॉर्डिंग ठीक नहीं कर पाता है, इंटरप्शन क्रिएट करता है कैमरा में रिकॉर्डिंग के लिए। अगर दोनों कंड्यूट एक ही कंड्यूट में दोनों वायर रहे, इलेक्ट्रिक वायर और कैमरा वायर, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए कि वो ऐसा ना करे मिस्त्री। अगर करता है तो उसे समझाइए और वो भी अगली बार से ना करेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा यहाँ पे WC लगा हुआ था, ये इसको काट करके हटा के यहाँ पे कैप लगा के इसको पैक कर दिया गया है। फर्दर इसके ऊपर टाइल्स लगा दिया जाएगा, एंड कैप लगा करके पानी के वाटर इनलेट को बंद कर दिया गया है। जहाँ जहाँ से इनपुट आया है सबको क्लोज करके कैप लगा के सबको सील कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे दीवार फर्दर नहीं रहेगा और फिर हमारा ये पूरा का पूरा एक हॉल बन जाएगा।